को बंधन बैंक में कर्मचारी को असलाहा दिखाकर लूट का प्रयास करने वाले अभियुक्त जलालुद्दीन खान को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध पिस्टल, एक चाकू बैग किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष मीडिया से हुई रूबरू, कहा यूपी के अन्य शहरों की तुलना में गोरखपुर की पब्लिक काफी हद तक ट्रैफिक नियमों का कर रही है पालन। जिले में ई रिक्शा की संख्या है काफी अधिक, शहर में चलने वाले ई रिक्शा के रूट को निर्धारित करने के लिए अधिकारियों को किया गया निर्देशित। जिला अस्पताल पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने जिलाधिकारी के निर्देश पर मारा छापा। अस्पताल की साफ सफाई, डेंगू वार्ड, भर्ती मरीजों से की बात, कहा जिला अस्पताल में किसी तरह की नहीं है दिक्कत, मरीजों का हो रहा है इलाज, सभी मरीज डॉक्टरों के इलाज से हैं संतुष्ट। दो पक्षों में हो रही कहासुनी को रोकना पुलिसकर्मियों पर पड़ा भारी, एक राय होकर दोनों पक्षों ने मिलकर पुलिसकर्मियों से की मारपीट। सात अभियुक्तों को तिवारीपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी ने दी जानकारी। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंची एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने गुरुवार को यातायात कार्यालय का किया निरीक्षण, विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। लगातार मारपीट की घटनाओं में शामिल रहने वाले सात अभियुक्तों के ऊपर कैंट थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया, पंजीकृत की जा रही है आगे की विधिक कार्रवाई। जिला अस्पताल में अब सोमवार गुरुवार को बनाया जाएगा दिव्यांग प्रमाण पत्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दिव्यांग जन वार्ड का फीता काट कर किया शुभारंभ। धोखाधड़ी से पैसे व मोटरसाइकिल हड़पने वाले शातिर अभियुक्त गौरव कुमार रजक को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, धोखाधड़ी से हड़पी हुई मोटरसाइकिल को किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम द्वारा स्वच्छ महोत्सव 2022 वार्डवार प्रतिस्पर्धा में स्वच्छता के मानकों के दृष्टिगत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चैंपियन वार्ड का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सिविल लाइन वार्ड 69 रहा प्रथम, वार्ड 68 पुराना गोरखपुर रहा द्वितीय, तो वार्ड 42 पुरदिलपुर को मिला तीसरा स्थान। नगर आयुक्त अविनाश सिंह के द्वारा किए गए पुरस्कृत। और नगर निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का किया जा रहा है कार्य। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कोई भी 18 साल का व्यक्ति यूपी इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर मतदाता पहचान पत्र के लिए घर बैठे कर सकता है आवेदन।